सब लोग गाइस कैसे आप लोग। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप टाटा स्टील ज्वाइन कर लिए हो, चाहे वो ट्रेड अप्रेंटिस का पोस्ट हो या फिर जेट का पोस्ट हो, आप किसी पोस्ट में ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप परमानेंट भी हो जाते हो, तो आप कौन सा साथ में पढ़ाई करना चाहिए आपको कि आपको कंपनी में तो फायदा मिले ही, साथ में बाहर भी आपका फायदा हो। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोज लेकर के आता रहता हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो यदि आप ट्रेड अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिए हो, ट्रेड अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है कि कोई मैट्रिक करके आए होंगे, कोई ट्वेल्थ करके भी आए होंगे, इंप्लॉय वर्ड वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन वाला कुछ हायर क्वालिफिकेशन भी करके आए होंगे। तो मैक्सिमम लोग 10th करके या 12th करके लोग आते हैं। तो यदि आप 10th किए हो तो सबसे पहले आपको 12th करना चाहिए। यदि आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, आप अपना कॉलेज स्कूल से कोई अटेंडेंस का प्रॉब्लम ना हो, तो आपको 12th करना ही चाहिए। और फिर भी अगर उससे नहीं होता तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी, आप इग्नू एनआई से किससे भी कर सकते हैं। अब रही बात है कि 12th किससे करना चाहिए, तो देखिए 12th अगर हो सकता है, पॉसिबल हो, तो आप साइंस से कीजिए ताकि आपको आगे जा करके बेनिफिट्स मिले, क्योंकि आजकल टेक्निकल डिग्री तो होना ही चाहिए। अगर कोई टेक्निकल डिग्री नहीं कर सकता तो कम से कम ग्रेजुएशन वगैरह या फिर 12th वगैरह भी साइंस से करता है, तो बाहर में भी फायदा होगा टेक्नीशियन का जॉब के लिए, और अंदर में तो फायदा होगा ही होगा। तो खास करके 12th ही करने से कुछ नहीं होने वाला, इसके आगे भी आपको कुछ करना चाहिए। कहने का मतलब आप 12th कर लिए हो साइंस से, आर्ट्स और कॉमर्स से करिएगा तो उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी स्टील प्लांट है, टेक्निकल चीज़ों का यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको डिप्लोमा करना, तो डिप्लोमा देखिए कंपनी तरफ से तो करवाया जाता है कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद, आपको बाहर से करने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप डिप्लोमा अगर कोई कर रहे हो 10th पास करके, तो उनका अगर कोई पूरा हो गया तो कंपनी में तो उनको फायदा मिलेगा मिलेगा। अगर वो ट्रेनिंग पीरियड से उनका सर्टिफिकेट आ गया हो या फिर उनका फाइनल एग्जाम दे दिए हो, तो उनका वैलिड तो होगा ही कंपनी में। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में अगर वो बीच में आकर के 3rd ईयर में अटक जाते हैं, सेकंड ईयर में अटक जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम में, तो उनका फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में साथ रेगुलर कोर्स हो जाएगा। इधर ट्रेड अप्रेंटिस का भी ट्रेनिंग चलेगा, आपका डिप्लोमा का भी चलेगा, तो आप वहाँ पर शो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पहले कर लिए हो तो उनका उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ITI भी अगर कोई किया होगा तो भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। हालांकि जो ट्रेड अप्रेंटिस का ट्रेनिंग होता है वो ITI का ही सर्टिफिकेट होता है, हालांकि उसमें लिखा रहता है स्टील प्लांट अलग हो जाता है ITI लेवल से, थोड़ा सा AITT का एग्जाम देना पड़ता है और ITI का थोड़ा सा एडवांस रहता है क्वेश्चन। दोनों में क्वेश्चन अगर देखा है तो AITT का ही ईजी रहता है, ITI का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही टफ रहता है उससे AITT के मुकाबले। तो आपको डिप्लोमा बाहर से आप करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कंपनी में आप अप्रेंटिस ज्वाइन करने के बाद कुछ साल के एक्सपीरियंस होने के बाद आपका कंपनी डिप्लोमा करने का प्रोविजन दे सकती है। और एक बार डिप्लोमा करने के बाद आपका जो पोस्ट निकलेगा JEE का, तो इंटरनल डिपार्टमेंट जब JEE का पोस्ट निकलेगा तब आप भर सकते हैं उसका। आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बस इंटरव्यू देना पड़ता है, तो आप जो JEE जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। तो आप डिप्लोमा मतलब कंपनी तरफ से ही कर सकते हैं। यदि पहले से कोई करके आए हैं ट्रेनिंग पीरियड से पहले से, तो उनका सर्टिफिकेट मायने हो जाएगा, वो 4 से 5 साल बाद अपना वो भी JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो पहले डिप्लोमा करेंगे तब जा करके वो अप्लाई करेंगे JEE के लिए। और हालांकि जो 10th पास करके उनको पहले 12th करना चाहिए। और जिनको कंपनी बाहर से डिप्लोमा करने का जैसे प्रोविजन नहीं है, कंपनी अंदर से ही है, तो उनको भी यदि JEE का पोस्ट पे जल्दी जाना है, मतलब उनको जूनियर इंजीनियर जल्दी बनना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन और भी है कि आप AMIE कीजिए। ये भी एक तरह का ओपन यूनिवर्सिटी का बीटेक डिग्री का लगभग इक्विवेलेंट है, इंजीनियरिंग डिग्री का इक्विवेलेंट है, तो आप AMIE की भी कोर्स कर सकते हैं। उनका सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, जो डिप्लोमा कर लिए होते हैं उनका सेक्शन ए में लगभग बहुत पेपर का छूट मिलता है, उनको सेक्शन बी देना पड़ता है। और कुछ लोग जो कि सिर्फ 12th करके आए हैं साइंस से, सिर्फ 12th किए हैं, तो आप उनको सारा सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर वो कंपनी में JEE पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना डिप्लोमा किए हुए। क्योंकि MI उनका कंप्लीट जैसे हो जाता है तो वो कंपनी में JEE पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास भी डिग्री हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो भी अपना JEE पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा आप तो चाहे नहीं भी कर सकते अगर MI उनका कंप्लीट हो जाता तो, क्योंकि MI करना बहुत मुश्किल होता है, जितना बोलने में मैं ईजी लग रहा उतना होता नहीं है, बहुत सा पेपर क्लियर करना पड़ता है, काफ़ी टफ एग्जाम होता है। तो MI बहुत लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि इतना आसान भी एग्जाम नहीं होता है और उतना टफ भी नहीं कि आप कर नहीं पाइएगा। मैं इसका एग्जाम वगैरह उतना दिया नहीं, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग आप कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा और आप JEE पोस्ट के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाएंगे कंपनी में। उसके बाद आ जाता है कि कोई ग्रेजुएशन कर लिया है साइंस से, तो भी बहुत बेनिफिट मिलेगा कंपनी में अदर चीज़ के लिए। कॉमर्स अगर आर्ट्स वगैरह से ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं है, हालांकि IT डिपार्टमेंट से आपको बेनिफिट मिल सकता है, ये चीज़ अकाउंट्स वगैरह से भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है, कंप्यूटर से अगर करिएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है। तो ये सब में बहुत रेयर केस में वैकेंसी निकलती है। और आप ग्रेजुएशन करना ही तो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ जो भी है, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिल सकता है ग्रेजुएशन करते हैं तुमसे। अब रही बात है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, चाहे वो जेट ट्रेनिंग हो या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो, तो
तो आप एग्जाम निकाल कर कैट के थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने से भी कंपनी में तो फायदा होगा ही होगा और बाहर भी आपका फायदा होगा ही, यदि आप अच्छा एग्जाम निकाल करके चले जाते हैं। अगर प्राइवेट से करते हैं तो भी कंपनी में फायदा होगा ही, ऑफिसर लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो एमबीए करने के बाद भी एक तरह का फायदा है ये। और इन सभी के अलावा यदि आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, ट्रेनिंग के बाद परमानेंट भी हो जाते हैं, तो कोई भी अगर एग्जाम निकाल लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम निकाल के जाते हैं तो आप अप्रेंटिस छोड़ भी सकते हैं, चैट छोड़ सकते हैं, कंपनी भी छोड़ सकते हैं, आप अदर बाहर जॉब हो जाएगा तो कोई अच्छी बात है। तो ये सभी तैयारी कर सकते हैं आपके बचे हुए समय में, लेकिन कंपनी आवर में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये बात क्लियर रखिए। तो बहुत सारे लोग होता है जो ट्रेनिंग पीरियड में गवर्नमेंट जॉब किसी का हो जाता है, जो आईटीआई डिप्लोमा करके आते हैं, किसी का नौकरी रेलवे में वगैरह हो जाता है, कोई सिविल सर्विस निकाल लेते हैं, कोई डिफेंस निकाल लेते हैं, तो जिनका अपना अपना चॉइस है तो अपना अपना तैयारी कर सकते हैं आप बचे हुए टाइम में। ऐसा नहीं कि आपको बॉन्ड पेपर वगैरह साइन करा था आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ट्रेनिंग पीरियड में ना आपका परमानेंट होने के बाद, ये बात क्लियर रखिएगा। तो बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा टेस्ट में कुछ फैसिलिटी वगैरह है कि नहीं, उसमें तरक्की कुछ हो सकता है कि नहीं। तो मैं बता दूं, आपके कोई भी प्रतिभा हो, कंपनी टाटा स्टील एक ऐसी संस्था है, आपका कोई भी प्रतिभा हो, आपका टाटा स्टील में हर तरह का अपॉर्चुनिटी है, आप किसी में अच्छा कीजिएगा आप उधर भी जा सकते हैं। कंपनी में यहाँ पर सेक्शन लेवल पर होता है, डिपार्टमेंट लेवल पर होता है, यहाँ तक कि लोकेशन लेवल पर भी होता है, जैसे कि जोड़ा में है, यदि टाटा स्टील यहाँ है जमशेदपुर में, तो आपस में लोकेशन पर भी होता है। तो ये आप बेहतर हमेशा अच्छा करेंगे तो आप कंपनी एक तरह का मौका भी देती है आप नेशनल लेवल पर खेलने के लिए, आपका डिपार्टमेंट लेवल पर खेलने के लिए, जो कंपनी वगैरह जैसे सेल डाटा में भी होता है क्रिकेट वाला ग्रुप, आप सुने होंगे नहीं, तो समझ सकते हैं कि हर तरह से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, कंपनी में चेस होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, माउंटेनिंग में तो भूलिएगा, माउंटेनिंग होता है जो कि यहाँ पर आपका ट्रेकिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपका ट्रेकिंग करवाया जाएगा, तो माउंटेन ट्रेनिंग कीजिएगा ही, तो वो भी आप वहाँ से भी अगर अच्छा करते हैं तो वहाँ पर साल दर साल वहाँ पर निकलते रहता है आपका ट्रेनिंग के लिए, आप अच्छा सर्टिफिकेट पा लेते हैं, बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन लेते हैं माउंटेन में, तो आप वहाँ के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बहुत सैलरी उसमें भी बहुत सारा पैसा कमाने का सोर्स है, नाम कमाने का सोर्स है। तो आपके पास जो भी क्वालिटी है, आपके अंदर जो भी स्किल है, आप जिस तरह का टैलेंट है, आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। कंपनी का तो आपको पता ही है, टाटा स्टील का टोटल 98 ब्रांच है, हर तरह हर प्रोडक्ट में टाटा कंपनी लगभग चली रही है, नेटवर्किंग को भी छोड़ करके। हालांकि कुछ दिन बाद टाटा स्टील का फिर से नेटवर्किंग में भी अपना कदम रखने जा रही है। तो टाटा का ईसीएस भी है, तो आप टाटा स्टील है सब कुछ देख ही रहे होंगे, तो नेटवर्किंग का कहना मतलब सीम वगैरह वगैरह पीछे हैं, तो अभी उसमें भी कुछ टाटा कंपनी हो सकता है आगे आने वाला समय में करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।